प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का पत्र से अध्याय 6 पद संख्याएं 3-12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति समस्त शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह सब कुछ नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य है जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1-3 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे, कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अपतूत निकाले थे। हेरोद के करिंदा, खूसा की पत्नी योहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस तिमथी को झूठे प्रचारकों से सावधान करते हुए कहते हैं कि वे धोखेबाज और चालाक होते हैं तथा सदा लोगों को ईसा की ओर आकर्षित करने की बजाय लोगों को अपने शिष्य बना लेते हैं। इस प्रकार के झूठे गुरु उन बातों पर व्यर्थ चिंता करते हैं जिनका कि आम जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। वे विवादग्रस्त बातों तथा बहस में ज्यादा भाग लेकर प्रसन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप वे ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर संदेह करने के आदि हो सकते हैं तथा उनका मन भी विकृत और सत्य से वंचित हो जाता है। वे धन की लालच में फंस जाते हैं। यह उनको प्रलोभन में डालकर विनाश के गर्त में ढकेल देता है, उससे उनका सर्वनाश हो जाता है। अतः संत पौलुस तिमथी से आग्रह करते हैं
कि वह हितकारी शिक्षा को सदा बनाए रखे, जिसका सार ईश्वरीय धैर्य, विश्वास तथा आत्मसमर्पण में बढ़ना है। यह कठिन है और उसे कई विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे क्रिश्चियन जीवन में इस प्रकार का खतरा हमेशा बना रहता है। कई झूठे धर्म प्रचारकों से हमारा सामना हो सकता है। अतः आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस हम सभी क्रिश्चियनों को अपने विश्वास में अडिग रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मृत्यु मानव जीवन का अभिन्न अंग है। हम इसे किस तरह से समझते हैं, उस पर जीवन का जीना निर्भर करता है। हम अपने आप से मृत्यु को समझने में सक्षम नहीं है। जब हम विश्वास की आंखों से यीशु की मृत्यु पर नजर दौड़ाते हैं, तो मनुष्य की मृत्यु का द्वार खुल जाता है, क्योंकि यीशु ने मानव जीवन को अपनाया। उनकी मृत्यु में हम मानव मृत्यु के रहस्य को समझने लगते हैं। उन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार मानव मुक्ति के लिए मुक्ति को स्वीकार किया, इसलिए उनका विनाश नहीं हुआ। अगर उनका जीवन मृत्यु तक सीमित होता तो हमारी मुक्ति कैसे होती। इसलिए पिता ईश्वर ने उन्हें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर पुनर्जीवन का महिमामय जीवन प्रदान किया। हम भी उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागी हैं। अतः पुनरुत्थान हमारे विश्वास का मौलिक आधार है। जो इस आधार को अस्वीकार करता है, वह ख्रीस्त का शिष्य नहीं हो सकता है। आज का सुसमाचार इस बात का साक्ष्य है कि जिन महिलाओं को अपदूतों से मुक्ति मिली थी, वे यीशु की सच्ची शिष्य बन गईं। वे यीशु के अनुकरण में सक्रिय रहीं। आज भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जो कलीसिया में सक्रिय हैं और जो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कलीसिया में उनकी सेवा की भावना सराहनीय है। क्या हम ऐसी महिलाओं को और उनके विश्वास को उचित महत्व देते हैं? आए दिन शिकायतें आती रहती हैं कि कलीसिया में भी उनके साथ बहुधा भेदभाव किया जाता है। सर्वप्रथम स्थानीय कलीसिया में उन्हें बराबरी का स्थान देना और उनका उचित सम्मान करना किसी भी ख्रिस्तीय समुदाय के लिए चुनौती है, विशेष करके हमारे देश में जहां महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण एक आम बात है। उनकी सुरक्षा के लिए अनेकों नियम कानून बनाए जाते हैं, पर बहुधा उनका पालन नहीं होता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, नारियों के उदार, कोमल एवं प्रेममय सेवा भावना को हम सभी जानते हैं। अपने घर में, ऑफिस में, कलीसिया में तथा हर जगह वे हमारी सेवा में सबसे आगे रहती हैं। आज के सुसमाचार में संत लूकस बताते हैं कि यीशु के 12 शिष्यों के अलावा कुछ अन्य स्त्री और पुरुष भी अपने विश्वास के कारण निकट अनुयायी बन गए थे। वे जीवन के हर घड़ी में यीशु का साथ दे रहे थे, यहाँ तक कि स्त्रियों की कलवारी के रास्ते में तथा दुख की घड़ी में उन्हें दिलासा, सांत्वना तथा ढाढ़स बंधाती रहीं। कुछ स्त्रियां तो यीशु के मरने के बाद हमेशा मरियम के साथ रहीं। उनके दुख को अपना दुख समझकर सारा जीवन उसी के साथ बिताने लगीं। यही कारण है कि यीशु का स्नेह भी उन स्त्रियों के प्रति आदत था। अपने पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले उन्हीं स्त्रियों को दिखाई दिए। यीशु के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी, उन सबसे स्त्रियों का पहला स्थान था। यह यीशु के प्रति उनके विश्वास, श्रद्धा और प्रेम का परिचायक है। इसलिए यीशु अपने पुनरुत्थान का संदेश तथा प्रेरिताई का कार्य सर्वप्रथम स्त्रियों को सौंपते हैं। प्यारे मसीही विश्वासियों, क्या आप अपने व्यक्तिगत संसाधनों से ईश्वर की सेवा एवं सुसमाचार के कार्यों को समर्थन करने के लिए उत्सुक हैं? सार्वजनिक प्रेरिताई कार्य के दरमियान यीशु ख्रीस्त बड़े पैमाने पर यात्रा किए। 12 प्रेरितगण एवं महिला समुदाय
यीशु के कार्य में हाथ बटाए। यह महिलाओं का एक भिन्न समूह था। उनमें से कोई सार्वजनिक पापी थी और अमीर ऊंचे परिवार के थे। सुसमाचार के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि मरियम मगदलेना एक परेशान एवं प्रताड़ित जीवन जी रही थी। यीशु ख्रीस्त उन्हें 7 दुष्टात्माओं से मुक्त करते हैं। योहन्ना राजा हेरोद के मुख्य वित्तीय अधिकारी की पत्नी थी, जो सामाजिक एवं राजनीतिक ओहदे पर थे। उनमें क्या खासियत थी जो उन्हें आम लोगों की सेवा में तथा आपसे संबंध में जुड़े रहने के लिए जोर दिया? निश्चय प्रभु यीशु का शुभ संदेश उन्हें एक बंधन में बांध कर रखा। प्रत्येक लोगों ने अपने उपहार एवं संसाधनों को यीशु के नाम पर समर्पित किया। संत पौलुस हमें संदेश देते हैं कि पवित्र आत्मा हमें उपहार देता है। ईश्वर हमें अपनी महिमा के लिए हम सबों को कार्य करने के लिए चुनता है। ईश्वर की दृष्टिकोण से ना कोई महत्वहीन है और ना अनावश्यक। उनके लिए सब बराबर हैं। उनके राज्य में निवास स्थान प्राप्त करते हैं। सबों को यीशु ख्रीस्त का कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है। क्या हम अन्य लोगों से मिलकर यीशु के कार्यों को करने में उत्सुक हैं? हम प्रार्थना करें कि हम भी सुसमाचार में कथित महिलाओं की तरह प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। आमीन।